लौट है जन के फंदे। सभी ने शंकराचार्य महाराज जी की बड़ी तुलना की, लेकिन किसी महापुरुष ने ये नहीं बताया गरीबदास महाराज की देन से ये आश्रम जगमगा रहा है। भाई आप जिस इसमें बैठे हो पंडाल में, आचार्य गरीबदास जी महाराज जी जो हरियाणा में हुए, उनकी पाड़ी है गाड़ी है जगमगा रहा है, ये रौनक है, ये संत महापुरुषों का मंच है। मैं आप लोगों से ज्यादा बात न करते हुए यही कहूंगा, सबसे पहले धन्य है विवेकानंद जी की माँ जिन्होंने अपना पुत्र संत समाज को दे दिया। बहुत कम वो माताएं होती है जो अपने बच्चे को साधु बना के खुश होती है। दूसरा मैं आप साथ संगत से और बुद्धर समाज से ये कहूंगा, अपना ही गिराता अपना ही उठाता है। अपने जिस जाट समाज से दो तीन महापुरुष हुए, धन्ना जाट भगत, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिन्होंने साक्षात परमात्मा को नीचे उतार दिया था, उनका यहाँ बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, कहीं पर नाम निशान नहीं है, बहुत कम एक दो जगह होगा। तो गुजर समाज से जो मेरे भाई आया चैंपियन पहलवान जी भी रह चुके हैं, हमने भी पहलवान जी क्रिया में उनसे एक विनती चाहूंगा कि आप लोग जो विवेकानंद जी को इतना चमका दो कि ये देख लो कि ये इस युवा अवस्था में इतना बड़ा ऊपर जो गया है वो किसकी देन है। आप अपने समाज के द्वारा सबसे पहले उठाओ भाई। रही बात विवेकानंद जी, दो ही बात कहूंगा, लंगोट के और जुबान के पर किरण आदमी मार के अपने भाई के पास आ जाना, तेरा भाई आते रात को तेरे लिए तैयार होगा, तन से मन से और धन से भी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, काफी टाइम से कह रहा था दो मिनट दो, दो मिनट दे, झूठी प्रशंसा सुनने के लिए सब तैयार है। आप लोगों को बता दूं, एक महापुरुष ने कहा पूरा मत देखो पूरा मत सुनो पूरा मत बोलो, लेकिन झूठ थी और आप लोग उसे बापू का नाम देते हो। जब तक आप सुनोगे नहीं आपको पता नहीं लगेगा अच्छी बात है या बुरी है, जब तक आप देखोगे नहीं आपको पता नहीं लगेगा आप अच्छी चीज देख रहे हो या बुरी देख रहे हो। तो मैं अपने भाई को कहता हूँ, शरीर पूरा होने के बाद दुनिया पूछती है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को दुनिया आजमाना डालती है, डालनी है जी तेरी डालो, मरने के बाद तो कौन देगा के देखता है। तो इसको पूजनीय बनाओ, आप लोग अभी जीते दी और बहुत कम संदेश होते हैं जो अपने जीते दी पूजे जाते हैं। मैं आप लोगों से यही कहूंगा, मेरे भाई को बहुत ज्यादा प्रेम और स्नेह देना और इनकी पूजा करना। भाई को दो ही बात बोलता हूँ, लंगोट और जुबान पका लेना, आदमी मार गा लेना, तेरे भाई के लिए जान दे दो भाई। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम, सत साहिब सत साहिब।